हेलो स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे हम एक्सेल सीरीज में बेसिक मैथमेटिकल फंक्शन इन एक्सेल। इन बेसिक मैथमेटिकल फंक्शन कौन कौन से होते हैं एक्सेल के? जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला और फंक्शन के बीच में डिफरेंस क्या होता है। फंक्शन यानी आपका जो पहले से ही प्री डिफाइंड है, इनबिल्ट है, आपका पहले से ही सेव है मेमोरी में कि इस नाम का एक फंक्शन बना हुआ है, वो तो हो गया आपका फंक्शन। जो यूजर डिफाइंड है यानी मैं यूजर हूँ, मैं यूज कर रही हूँ सिस्टम को, मैंने जो डिफाइन करा है फॉर्मूला यूजिंग एनी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज करके वो बन गया मेरा फॉर्मूला। अब देखिए, हम यहाँ पर मैं आपको फॉर्मूला का यहाँ पर बता चुकी हूँ, अगेन लास्ट वाला रिपीट कराऊंगी और इसमें आपको फंक्शन बताऊंगी। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है कि आपको 5% निकालनी है कमीशन अक्षय की सैलरी के ऊपर। अभी अक्षय का ये आ गया, अक्षय की डिटेल, ये इसकी बेसिक सैलरी, इसकी कमीशन निकाले तो मैंने टाइप किया इक्वल टू। इसके बाद मैंने किसी फॉर्मूले का नाम नहीं लिखा, मैंने ना कोई सी फंक्शन फंक्शन फॉर्मूला तो मैं खुद क्रिएट करूंगी, मैंने यहाँ फंक्शन का नाम लिखा। मुझे 5% निकालना तो मैंने बेसिक को सिलेक्ट करा, बेसिक पे क्लिक करा। D4 का मतलब इस सेल का एड्रेस, डी नंबर कॉलम, इसके फ्रंट में सेल देखी है, रो कौन सी है, 4, तो D4 हो गया ये। मल्टीप्लाई कितना परसेंट, 5, एक परसेंटेज का सिंबल, एंटर कर दीजिए। ये क्या हो गया मेरा फॉर्मूला, क्योंकि मैंने ये अर्थमेटिक एक्सप्रेशन का यूज करके, जैसे मल्टीप्लाई परसेंटेज ये सिंबल यूज करके मैंने इसको रन करा है, प्लस माइनस डिवाइड कुछ भी लगा के करा दूंगी, वो हो गया मेरा फॉर्मूला। अब मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करना है, एक तो मैंने यहाँ पर अक्षय की यहाँ पर कमीशन कैलकुलेट करी है, इसके अलावा मैंने कमीशन किसको दी है, प्रीति को। अब मुझे कॉपी करना है, प्रीति को भी कमीशन दी है मान लीजिए, तो यही फॉर्म मुझे कॉपी करना है, तो मैंने यहाँ पर करा सिंपली कंट्रोल सी से, आप प्रीति के सेल पे जाके कंट्रोल वी कर दीजिए, इस पर क्लिक कीजिए डबल क्लिक, ये दिखाएगा कि प्रीति की सैलरी का कितना परसेंट है। ये तो हो गया आपका फॉर्मूला। अब मेरे को सभी की यहाँ पर सभी का ये टोटल करना है। टोटल से पहले मैं सैलरी पेड निकाल लेती हूँ कि अक्षय की सैलरी मेरे को कैलकुलेट करनी है। अक्षय की जो सैलरी मेरे को कैलकुलेट करनी है वो मेरे को कैलकुलेट करनी है फॉर्मूला से। फॉर्मूला का मतलब मुझे फंक्शन, सम का यहाँ पर फंक्शन यूज नहीं करूंगी, मैं अपना फॉर्मूला लिखूंगी। सैलरी क्या होगी अक्षय की, कमीशन बेसिक प्लस कमीशन प्लस ओवर टाइम, तो इक्वल टू बेसिक उसकी जो है उस पर क्लिक करेंगे, D4 मैंने अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज करा, प्लस उसका कमीशन उस पर क्लिक करा, प्लस ओवर टाइम इस पर क्लिक करा और कर दिया एंटर। ये क्या हो गया आपका फॉर्मूला। अब मुझे यही फॉर्मूला नीचे पेस्ट करना है, जैसे इसमें लगा ये फॉर्मूला, आप नीचे तक इसको सिलेक्ट कीजिए। मैंने देखिए पहले सेल में लगाया फॉर्मूला, यहां से लेकर यहाँ तक सभी का मुझे यहाँ सम करना है, बेसिक से लेकर ओवर टाइम तक, जिसका जितना जितना है। यहाँ पर आपको प्रेस करना है फिर ऑल्ट डी, आपको यहाँ पे प्रेस करना है, सॉरी कंट्रोल डी, कंट्रोल डी करोगे तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर सबका ये टोटल देखिएगा। इस पर डबल क्लिक कीजिए, इसका 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 तीनों का सम, डबल क्लिक कीजिए इन तीनों का सम, ये देखिएगा सभी का टोटल आ गया। अब ये वाला मेरा कंप्लीट हो गया, मैंने फॉर्मूला से यूज करके आपको सबकी सैलरी निकालनी बता दी। अब आपको ड्रैग करना है फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसे ड्रैग करते हैं, पहले तो मैं बेसिक सैलरी का टोटल, टोटल मैंने बेसिक सैलरी कितनी पेड की, एक प्री डिफाइंड फंक्शन के थ्रू करूंगी, ऑटो सम के थ्रू। क्या करेंगे आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक का मेरे को क्या कराना है सम, किस में कराना है, इस सेल में, एक एक्स्ट्रा सेल जिसमें टोटल आए इसका, ऑटो सम पर गए, यहाँ पर क्लिक करा, ये देखिए टोटल आ गया। अब मुझे कमीशन का सम चाहिए यहाँ पर, ओवर टाइम का सम चाहिए यहाँ पर, सैलरी का चाहिए। अब इसको कैसे करूंगी, फॉर्मूला मुझे फिल करना है आगे सभी में, यहाँ क्लिक कीजिए और यहाँ पर इसको ड्रैग कर दीजिए माउस के पॉइंटर से। देखिए यहाँ पर आप गए कॉर्नर में, माउस का पॉइंटर ले गए, इस फॉर्मूले को आपको नीचे तक ड्रैग करना है, प्लस का सिंबल बन गया, लेफ्ट बटन प्रेस करके इसको आगे तक ड्रैग कर दीजिए, खींच दीजिए, टोटल आ गया। ये देखो डबल क्लिक करो इसका टोटल, डबल क्लिक करो इसका टोटल, इतना समझ गए।
अब मुझे ये तो हो गया मेरा फॉर्मूला, फॉर्मूला समझ गई मैंने, इक्वल टू लगा के कुछ भी डाटा सिलेक्ट करा, उसमें प्लस माइनस डिवाइड, कोई भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन का यूज करा, बन गया फॉर्मूला। अब पढ़ेंगे हम फंक्शन। फंक्शंस क्या होते हैं, जो कि इनबिल्ट होते हैं मेमोरी में, पहले से ही बने होते हैं, जैसे सम, एवरेज, मिन, मैक्स, काउंट, ये पहले से बने हुए, इनका मैं यूज करूंगी, वो मेरे क्या हो गए फंक्शन। यहाँ पर मैंने टाइप करा इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, एक्सेल में सभी फॉर्मूले इक्वल टू से स्टार्ट होते हैं। मुझे सम कराना है किसका, उसको टोटल सैलरी पेड टू एम्प्लॉय, मैंने कितनी टोटल सैलरी पेड करी है एम्प्लॉयज को, ये टोटल सैलरी पेड है, सभी का टोटल करना है, तो एक तो ये नीचे दिया हुआ है, मुझे यहाँ निकालना है अलग से, तो मैंने यहाँ क्लिक करा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या हो गई रेंज, यानी एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट G4 से G8 तक का आपको क्या करना है सम। ब्रैकेट कर देंगे हम, क्लोज, देन एंटर। आपको निकालनी है सभी की एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी क्या होती है, देखिए मेरे पास यहाँ कितने एम्प्लॉयज है, 5, 5 एम्प्लॉय की टोटल सैलरी पेड की 2,05,900। अब इसको बराबर बराबर आप डिवाइड करोगे, मान लीजिए 2 लाख दिए है, 5 लोगों में बराबर बराबर करोगे, 40,000 आएगा, इसमें कुछ अप्रोक्सीमेटली अराउंड आएगा जो 40,000 के अबव आएगा, यानी टोटल जितनी भी सैलरी मैंने टोटल पेड की उसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो क्या बन गई मेरी एवरेज। आप टाइप करेंगे यहाँ पर इक्वल टू एवरेज, देखिए यहाँ पर फॉर्मूला शो हो गया, आप टैब की प्रेस करोगे तो पहला जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर टाइप हो जाएगा, इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट, किसका एवरेज निकालना है, सैलरी पेड का, सभी की सैलरी सिलेक्ट कर ली, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, एंटर कर दीजिएगा, यानी 2,05,900 को यदि 5 लोगों में बराबर बराबर बांटे तो वो क्या निकल जाती है मेरी एवरेज सैलरी। मिन का मतलब मिनिमम, यानी आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन में किसकी मिनिमम या लो है, सबसे कम सैलरी है उसको फाइंड करना है, तो मिन का यूज करेंगे आप। टाइप करेंगे यहाँ पर इक्वल टू मिन ब्रैकेट स्टार्ट, किसका आपको मिनिमम फाइंड करना है सैलरी का, सभी की सैलरी सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, देन एंटर। सबसे कम सैलरी कितनी है, 20,700, किसकी है सैलरी, सुषमा की, इतना समझ गए। इसी में आता है मैक्स, जैसा कि नाम से क्लियर है, मैक्सिमम यानी हाईएस्ट सैलरी फाइंड करनी है आपको जो भी एम्प्लॉय है, इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट कर देंगे आप स्टार्ट, ब्रैकेट स्टार्ट हो गया। अब मुझे हाईएस्ट किस में से निकालना है, सैलरी, सभी की सैलरी सिलेक्ट कर ली मैंने। अब इसके बाद आप कर देंगे, देखिए फॉर्मूला बार में भी आपका फॉर्मूला शो होता है, इधर भी देख सकते हैं आप इसको, कि आपने G4 से लेकर G8 तक ये सिलेक्ट किया, ब्रैकेट कर दिया क्लोज इस तरीके से, और ये किया मैंने एंटर। हाईएस्ट सैलरी किस कितनी है, 60,000, किसकी है हाईएस्ट सैलरी, आशु की, इतना क्लियर। नेक्स्ट आता है काउंट, आपको काउंट कराना है कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो काउंट फंक्शन काउंट ओनली नंबर, सिर्फ नंबर को काउंट कराता है, इक्वल टू काउंट। अब जैसे काउंट आ गया, देखो यहाँ पर मैंने टैब की प्रेस की कीबोर्ड में से, ये पूरा फॉर्मूला लिखा आ जाएगा विद ब्रैकेट स्टार्ट, मुझे काउंट कराना है कितने एम्प्लॉयज, तो मैं सभी की सैलरी सिलेक्ट कर लेती हूँ, कि जितनी मैंने सैलरी दी उतनी मेरे एम्प्लॉयज है, इनको सिलेक्ट किया, ब्रैकेट की मैंने क्लोज, ये मैंने कर दिया एंटर, कितने एम्प्लॉयज है, इतना समझ गया आप। तो आज हमने सीखी बेसिक मैथमेटिकल फंक्शन, और फंक्शन और फॉर्मूला के बीच का डिफरेंस भी आप समझ गए होंगे। थैंक यू।